हाय गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक क्लास हम लोग का ऐसा रहेगा जहाँ पे आपको जितनी भी पुरानी स्कीम्स वगैरह हैं वो सारी की सारी रिकॉल करा दी जाएंगी। तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये हम लोग का स्कीम के बेसिस पे है, क्लास रिकॉर्डेड मोड पे है। इसका रीज़न ये है कि 15 मिनट का सिर्फ आपका क्लास है ताकि आप इसको कभी भी देखो, बट हाँ एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर देख लेना वरना दिक्कत आ जाएगी। तो हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पे स्टेट एंड पर्टिकुलर स्कीम्स के बारे में, जो कि 2020 से लेके अभी तक की इम्पॉर्टेंट स्कीम है उनको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हैप्पी वाला दशहरा टू ऑल। तो आई होप कि आप सब लोग तैयार हो गए होंगे और एक बार इसे क्लास के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट भी यहाँ पे अपने आप को एक बार से टेस्ट कर पाएँ। तो चलिए, हैप्पी दशहरा तो हो गया। इसके अलावा डेली बेसिस पे जो आपका लूसेंट का क्लास चल रहा है इसको मिस मत करो। यहाँ पे आपको हर दिन के हिसाब से टोटल 50-50 क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं। इस क्लास के बाद में रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे आपके लिए क्लास आएगा जहाँ पे आपको नोबल प्राइजेस विद ट्रिक देखने को मिलेगा। तो वो भी आपको याद करना है, क्योंकि देखो याद तो करनी पड़ेगा, कोई सोल्यूशन है नहीं। ठीक है, तो वो भी आप लोग क्लास को ज़रूर से देख लीजिएगा। राइट, सेकेंडली डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे इसी चैनल पे सुबह अटेंड कर रहे हो तो जो क्वेश्चंस अभी हम आपसे पूछेंगे वहाँ पे आप गलती नहीं करोगे। तो आगाज़ किया जाए, एक बार से थम अप कर दो भैया, तो शुरुआत करी जाए। तो शुरू करते हैं यहाँ पे क्लास को। पहले ही बता दिया रिकॉर्डेड है, क्योंकि यहाँ पे आज छुट्टी जो मना रहे हो तुम लोग, है ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल के सो ही लेते हैं, क्या कहते हो? चलो आ जाओ, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ सवाल में कहा जा रहा है, यहाँ पे स्वास्थ्य साथी स्कीम जो है वो भी हाल ही में लॉन्च करी गई थी, कौन से स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वेस्ट बंगाल के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ये जो स्कीम है इसको आयुष्मान भारत योजना के अंदर ही लॉन्च किया गया है, और आयुष्मान भारत योजना 2018 में आती है, रांची से इसको लॉन्च किया जाता है। इसी योजना के अंदर अगर हम देखें तो राजस्थान ने भी एक योजना लॉन्च करी है जिसका नाम क्या है? चिरंजीवी योजना। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल कहा जा रहा है गर्भ संस्कार स्कीम ये कहाँ पे लॉन्च करी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है यूपी के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में आपने अगर देखा हो तो मिशन शक्ति नाम की जो योजना है इसको भी लॉन्च किया गया है यूपी के अंदर ही। और नेक्स्ट आपकी एक और योजना जो यहाँ पे लॉन्च करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम आपके सामने लिख दिया है, इसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया, कहाँ पर? महोबा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला, हिम सुरक्षा अभियान ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? सुरक्षा अभियान, जहाँ पे भी ये टर्म आएगा समझ आइएगा कि ये बात कर रहा है किसके बारे में, कोविड-19 के बारे में। ये कौन से स्टेट के अंदर लॉन्च किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया। हिमाचल प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पे दो चीज़ों की खेती स्टार्ट होने वाली है। एक तो देखो मैंने कहा था दालचीनी की होगी, दूसरी किसकी होगी? हींग की खेती। ये दोनों पहली बार हमारे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर ही लॉन्च करे जाएंगे। अगला क्या है, कर्माई धर्म स्कीम ये कहाँ पे लॉन्च करी गई? तो ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर ही लॉन्च किया गया। वेस्ट बंगाल के अंदर एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या खेला होवे दिवस में पूछा जा सकता है। ये जो दिवस है ये 16th of August को सेलिब्रेट किया जाएगा। गाइस सेशन को प्लीज़ एक बार से लाइक और शेयर करते जाना, क्योंकि आप लोगों का जो टाइम है मुझे पता है कि आप छुट्टी के मूड में हो, बट फिर भी मैंने सोचा कि यार ये टॉपिक कराना ही है तो इसको कैसे भी करके 15-20 मिनट्स में आपको करवा देते हैं। तो प्लीज़ एक बार से सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर मारा करिए। मुख्यमंत्री उन्नतो गोदान क्या परकल्प योजना कुछ याद आया? इसके नाम से ही कुछ कुछ आपको लगना चाहिए कि यूपी तो होगा नहीं है, एमपी भी नहीं होगा, बचे दो ऑप्शन। तो दो ऑप्शन में सी वाला तो नहीं होगा, ओडिशा तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या? त्रिपुरा। त्रिपुरा वो स्टेट है जहाँ पे इत्तू खेलो इत्तू पढ़ो नाम की भी जो योजना है उसको भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पे आओ, अमावोडी ये तो नाम से ही पता चल रहा है, अमावोडी योजना कहाँ की होगी? तो ये हो जाएगी सिंपल, देखो आंध्रा छत्तीसगढ़ झारखंड और तेलंगाना, तो सिंपल था कि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचे थे दो ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से यहीं पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऐप वगैरह भी लॉन्च किए गए हैं, लेकिन कापू कम्युनिटी याद रखिएगा क्योंकि इनकी सुविधाओं के लिए एक यहाँ पर स्कीम भी लॉन्च करी गई थी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगला, पिंक सारथी व्हीकल ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? पिंक है यानी कि विमेन की बात हो रही है, इसमें क्या होगा? जो सिटी बसेज हैं वो पर्टिकुलरली वुमेन्स के लिए चलाई जाएंगी, जैसे कि पिंक प्रोटेक्शन
ये जो योजना लॉन्च करी गई थी ये केरला के अंदर लॉन्च करी गई थी, उसी तरीके से ये सवाल है, आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका वो स्टेट है जहाँ पे 1% ट्रांसजेंडर्स के लिए कॉलेजेस में सीट्स को रिजर्व किया जाएगा और गैम्बलिंग वगैरह के ऊपर यहाँ पे अभी बैन लगाया गया है, स्पेशली ड्रीम इलेवन के ऊपर कंप्लीट बैन लग चुका है। अगला, वारी दिकरी योजना, नाम से ही पता चल रहा है कि ये दिकरी योजना आ रही है, इसका मतलब है ये कुछ कुछ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरीके से होगी, तो ये गुजरात के अंदर लॉन्च करी गई है। मुझे आंसर करके बताओ गुजरात के अंदर या राजस्थान के अंदर। अभी हाल ही में आपने नाम सुना होगा अवनी का, ये कौन है मुझे नहीं पता, आप बताओगे। बस ये बता दें पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता था। आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंदर इनको एम्बेसडर बनाया गया है, गुजरात या राजस्थान, स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अगला क्या है, अम्मा मिनी क्लिनिक स्कीम, अब ये कहाँ हो जाएगा। अम्मा शब्द जो है ना यूजुअली इसका इस्तेमाल किया जाता है तमिलनाडु के अंदर, वाय आपने नाम सुना होगा यहाँ की सबसे लंबे समय तक जो सीएम के रूप में भी काम कर चुकी थी, जिनके अभी कुछ टाइम पहले डेथ हुई थी, जयललिता जी, उनको यहाँ पे अम्मा के नाम से जाना जाता था। अम्मा व्हीकल नाम से भी योजना मिलेगी, अम्मा कैंटीन के नाम से भी योजनाएं मिलती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तमिलनाडु। अगर तुमसे कहा जाता है क्या मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, तो ये कहाँ आएगा, ये तेलंगाना के अंदर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक व्हीकल फोरम ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले तो ये है कि ई व्हीकल के लिए जो अभी रिसेंटली पॉलिसी आई थी, सबसे पहले दिल्ली में आई, उसके बाद में अभी हाल ही में इसको महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया, तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या है, दिल्ली इज़ द राइट आंसर। अगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, यानी कि जो बच्चियां हैं उनका वेलफेयर के लिए यहाँ पे इस योजना को लॉन्च किया गया, ये यूपी के अंदर लॉन्च करी गई थी। इसमें क्या है, जब तक बच्चियां जो हैं लाइक 18 इयर्स की नहीं हो जाती तब तक उनके अकाउंट में कुछ पैसा जो है वो डिपॉजिट होता रहेगा। मो परिवार योजना, भाई देखो जहाँ पे मो शब्द आ जाएगा समझ जाइएगा कि वो बात कर रहा है किसके बारे में, माए के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा ओरिसा, ओरिसा के अंदर इसको लॉन्च किया गया। गरिमा योजना अगर तुमसे पूछी जाएगी तो ये भी कहाँ की, ओरिसा की हो जाएगी, और गरिमा गृह अगर पूछी जाएगी तो ये गुजरात की है। गरिमा योजना जो है वो इसके एवेंजर्स के लिए लॉन्च किया गया था, यानी कि जो लोग सीवेज वगैरह की क्लीननेस करते ना उनके लिए इसको लॉन्च किया गया था। अगला, कन्याश्री यूनिवर्सिटी जो है ये सेटअप करी गई थी बच्चियों के लिए, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगले पे आइए, वाहन मित्र स्कीम, वाहन मित्र का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि जो व्हीकल्स हैं उनके लिए फ्रेंडली एक स्कीम लॉन्च करी गई है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया। सवाल, अभी हाल ही में एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया था जो विमेन सेफ्टी के लिए काम करेगा, मुझे उस ऐप का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए। आंसर करते हुए चलना, और ये मत सोचना कि मैम ही क्लास देखेंगी, नहीं, आपको यहाँ पे आंसर करते हुए चलना है, मैम तो बाद में कभी भी जब टाइम मिलता है तो देख ही लेती हैं तुम लोगों के कमेंट्स, ठीक है। अगला देखो, अपोनर अपुन घर स्कीम, इसमें क्या है, आपके घर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि हाउसिंग फॉर ऑल है, यानी कि आवास योजना की हम बात करते हैं, तो उसका जो टारगेट है वो है 2022, यानी कि हर घर के पास में सुविधाएं होनी चाहिए, तो उसी तरीके से ये आसाम के अंदर लॉन्च किया गया था। अगला, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर, अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि ये जो ग्रिवियान सिस्टम लॉन्च किया गया है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया। आपको भी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि ग्रिवियान सिस्टम जो है वो अलग अलग जगह पे लॉन्च हो रहा है। सवाल, मणिपुर के अंदर अभी दो दिन पहले मैंने आपको करेंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि एक ग्रिवियान सिस्टम लॉन्च किया गया है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखो। अगला, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना ये कौन से स्टेट के अंदर लॉन्च करी गई, जिसके अंदर क्या होगा, पल्सेस प्रोवाइड करी जाएंगे पुअर्स को। ऑब्वियस सी बात है ये होगा उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया। अगर आपसे पल्सेस या दालों के उत्पादन के बारे में पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो एमपी के अंदर इसका सबसे ज़्यादा आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अगला, मुख्यमंत्री शरबत सेहत बीमा योजना ये कहाँ हो जाएगी, सेहत योजना है, पंजाब के अंदर आपको ये मिलेगी। पंजाब की बात करोगे तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि लाइक बहुत सारी स्कीम्स आई हैं,
जिसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो लाइक आपके इलेक्शन कमीशन के अंदर एम्बेसडर कौन बनाए गए, तो सोनू सूद हो जाएंगे, या फिर दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया, या लकीर लॉन्च किया गया, दे आर सो मैनी थिंग्स जो पंजाब के अंदर आई हैं। लेकिन आज जो मैंने आपको सुबह करेंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि BSF का जो एरिया है उसको इंक्रीज़ किया गया है, और वो इंक्रीज़ किया गया है 35 किलोमीटर्स, और अब 15 से 50 किलोमीटर हो गया है। पेपर में तुमसे यही पूछा जाएगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ते हैं यानी कि इंडिया के बाहर पढ़ते हैं, तो उनके जो ग्रीवियंसेस वगैरह होते हैं या उनको जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है उसके लिए अभी एक स्कीम लॉन्च करी गई थी। आपको बताना है कि कहाँ पे, तो नागालैंड के अंदर इसको लॉन्च किया गया। नागालैंड वही स्टेट है जहाँ पे अभी हाल ही में 61st नंबर का सॉफ्टवेयर सेंटर या इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। अगला, प्राकृतिक खेती। अब देखो इसका मतलब क्या है, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लो कोई ऑर्गेनिक चीज़ है उसकी, या उसकी जो डिमांड है ना उसको क्रिएट करना, उसको बढ़ावा देना, तो उसके लिए जो खेती वाली योजना है इसको यूज़ किया जाता है कहाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है तो तुम आंसर करोगे सिक्किम इज़ अ ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। अगला, अरुंधति स्वर्ण योजना कौन से स्टेट में होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है आसाम के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है BBY, ये क्या है, भावांतर। देखो ध्यान देना कि 2020 की योजनाएं भी हैं, तो गड़बड़ करके मत आना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको ये सारी योजनाएं पता होनी चाहिए पेपर से पहले। इसका आंसर क्या होगा, हरियाणा के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अगला, विरासत योजना। अब इसमें क्या होगा, अब भाई इसमें प्रॉपर्टी के बारे में बात करी जाएगी, प्रॉपर्टी जो है उसका हिस्सा किसके पास में कितना होगा, रूरल एरियाज़ के अंदर जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना उसको क्लियर करने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया, UP के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। अगला, फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। अब आप सभी लोग जानते हैं फसल बीमा योजना हमारे देश के अंदर चलती है, राइट। अब उसी तरीके से कहा जा रहा है कि फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कहाँ पे आई, तो ये आंध्रा के अंदर लॉन्च करी गई थी कि आपको इंश्योरेंस कराने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगला, औरंदियो स्कीम, सिंपल, आसाम के अंदर इसको लॉन्च किया गया, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, और हाँ इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है। अगला, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, या आप कह लो यहाँ पे कि सोलर पावर के साथ में ये जुड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। अगला, आंध्र प्रदेश सरकार ने हैज लॉन्च द YSR, क्या समझ गए ये स्कीम का क्या कहा है। जब भी आपको ये दिखेगा समझ जाना है कि आंध्र प्रदेश के अंदर ये स्कीम लॉन्च करी गई, किसके लिए लॉन्च करी गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा जो वेवर्स होते हैं, यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं जो कढ़ाई बुनाई करते हैं, उनके लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। अगला, मुख्यमंत्री कृषक क्या दुर्घटना कल्याण योजना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसान है, अब वो जो किसान है वो कोई काम कहीं पे कर रहा है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो भैया पैसा कहाँ से मिलेगा, तो पैसा सरकार के द्वारा दिया जाएगा, यूपी के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। अगला, महाराष्ट्र के अंदर अभी हाल ही में जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में खाने देने की बात हुई थी, तो जो खाना देने की बात हुई है इसके लिए कौन सी वाली योजना लॉन्च करी गई थी, तो इसका आंसर बनेगा शिव भोजन इज द राइट आंसर। अगला, जन सेवक, ये अभी हाल ही में कौन से स्टेट के अंदर लॉन्च करी गई, तो कर्नाटका के अंदर इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। ये देखो कर्नाटका या आंध्रा या तमिलनाडु, इनके नाम को सुन के कई बार कन्फ्यूजन होता है, बट YSR जहाँ पे आ जाएगा वो तो समझ जाना कि आंध्र ही है। अगला क्या है, जगन्ना वस्ती देवना, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर आया था, स्टूडेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया था। जैसे कि होता है ना छोटे बच्चों को लाइक स्कूल किट देनी है, बैग बॉटल ये सारी चीज़ें, तो ये आती है इस योजना के अंदर, इसको अभी हाल ही में रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री क्या संवर्धन योजना, जैसे कि आपने देखा था इंतज़ार आपका, ये कहाँ था, ये MP के अंदर था, उसी तरीके से इसको लॉन्च किया गया कहाँ, UP के अंदर। UP में भी टूरिज्म बढ़ाने की बात होती है, ऐसी वैसी बात नहीं है। अगला सुनो, CM के द्वारा यहाँ पे एक अभी हाल ही में योजना लॉन्च करी गई थी, तेग बांग। ये तेग बांग शब्द से आपको याद रखना पड़ेगा, पूरी स्कीम तो वैसे भी नहीं याद होने वाली, तो ये स्कीम जो है ये कहाँ आई थी, मणिपुर के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। अगला देखो, मो जीवन, समझ ही गए होगे, फिर से MO लिख कर आया ना, मो उसका मतलब क्या है, माई, कहाँ पर आएगा, ओरिसा के अंदर, किस चीज़ के लिए, भैया पेंडेमिक के लिए इसको लॉन्च किया गया था, दैट मीन्स कोविड के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था।
कालिया योजना जो कि पीएम किसान योजना के साथ में जुड़ी हुई है, ये कहाँ पे लॉन्च करी गई थी? तो कालिया योजना जो है ये किसानों के लिए लॉन्च करी गई थी, फार्मर्स के लिए इसको लॉन्च किया जाता है, और ये उड़ीसा के अंदर थी। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। अभी क्या हुआ था 2020 में, इस योजना को उठा के किसान योजना के साथ में मर्ज कर दिया गया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर न्यूज़ बन गई थी। अगला, आसाम के द्वारा जो मेडिसिन्स हैं ये घर घर जाके डिलीवर करने के लिए एक योजना लॉन्च करी गई थी। इसका आंसर क्या होगा? धन्वंतरी योजना। सेम ऐसी योजना जो है वो दिल्ली के अंदर भी लॉन्च करी गई थी। तो अब तुमको ऑप्शन क्या दिया है उसके हिसाब से आपको जाना है, ठीक है। अगला, जीवन शक्ति योजना जो है ये कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये एमपी के अंदर लॉन्च किया गया था। अगला, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, यानी कि अभी कोविड के टाइम पे जो माइग्रेंट्स थे, जब उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया तो उन लोगों को गारंटीड काम देने के लिए भी यहाँ पे एक योजना आई थी, और ये योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉन्च करी गई थी। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सॉल्व हो रहे हैं तो एक बार से कमेंट बॉक्स के अंदर थम अप करते हुए चलना, ताकि पता तो चले कि सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ओके, अगला, टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, वो चूरन देने की बात हुई थी, याद आया? एमपी के अंदर लॉन्च किया गया था, उस चूरन का नाम क्या था? जीवन अमृत योजना उस चूरन का नाम रखा गया था, ठीक है। तो मैंने आपको सारी स्कीम्स पढ़ा दी हैं जो अभी लेटेस्ट में आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी, या फिर आपके एग्जाम के अंदर पूछी गई थी। अब इसके बाद में सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एंड दशहरा वाले मूड में तो तुम लोग चल रहे हो, इट्स ओके, बट प्लीज़ कोशिश किया करिए, हर क्लास को देख लो कभी भी, बट देख जरूर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है, तो आपके लिए जो पेड बैच है वो नया स्टार्ट होने जा रहा है, और ये नया जो पेड बैच स्टार्ट होगा ये 20 तारीख से स्टार्ट होगा, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, चारों सब्जेक्ट्स के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो इसका जो अमाउंट है वो करीबन इतना है, लेकिन जब आप इस पर कृति 10 कोड यूज़ करोगे और साथ में अपने कॉइन्स को यूज़ करोगे तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा कम हो जाता है। 10% तो कम होता ही है, और भी ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप EMI के थ्रू इसको ज्वाइन करते हो तो 325 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से देना होता है, वैसे तो देना होता है, लेकिन जब आप कोड लगा दोगे तो कोड के बाद में ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 293 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको देना है। वो भी कितने सालों के लिए मिल जाएगा? 2 सालों के लिए तुमको ये बैच मिल जाएगा। तो आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लो, क्योंकि नया बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है कब से? 20 तारीख से। और अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट को नहीं देते हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट को दिया करिए, हर संडे को होता है। और जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो इसमें आपको ये टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ये टेस्ट सीरीज आपके एजुकेटर्स लाइव आके आपको सॉल्व करवा रहे हैं। हाउ वाज द सेशन? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा। एंड मिलते हैं अब आपसे शाम में, एक और क्लास आपका रहेगा जहाँ पे नोबल आपको पढ़ा दिए जाएंगे। वो क्लास होपफुली आपका 6 बजे या 6:30 बजे के आसपास आज रहेगा, क्योंकि उस टॉपिक को थोड़ा सा ट्रिकी था तो वो थोड़ा सा बनाने में टाइम लगा था, इसलिए। तो मिलेंगे आप लोगों से करीबन 6 या 6:30 बजे। एक बार से चैनल पे आके चेक कर लीजिएगा, एंड डू चेक योर टेलीग्राम। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, एंड टेक केयर।